स्नैप फॉर कैप्चर इट ऑल। मैंने तो वैसे ब्लैक वर्जन मंगाया था बट इसके ऊपर गोल्डन कलर है, देखते हैं क्या होता है। बॉक्स दिखा देता हूँ आपको, इधर लिखा है स्नैप फॉर कैप्चर इट ऑल डू नॉट एक्सेप्ट सील इज ब्रोकन। फिर बार कोड लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर भी इनफोकस लिखा हुआ है। टॉप तो आपको मैं दिखाई दिया था इनफोकस का, यहाँ पे देखिए मेड इन चाइना है, ये आप देख सकते हो मेड इन चाइना है। और कवर में लिखा हुआ है मिडनाइट ब्लैक लिखा है, ये आप देख लो सार्वली वगैरह कलर मिडनाइट ब्लैक है, मिडनाइट ब्लैक ही मंगाया मैंने। मॉडल नंबर ये है और मैन्युफैक्चर अगस्त 2017 का है, अंतिम ईयर अगस्त 2017 है। ये है इनफोकस स्नैप फोर 13.8 मेगापिक्सल रेयर कैमरा है विथ फ्लैश और 120 डिग्री वाइड एंगल विथ ब्यूटी कैमरा। 4GB रैम है, रन फ्लुएंटली। 1.5 GHz का कोर्टेक्स A53 ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। 5.2 इंच 1 cell 2.5D कर्व ग्लासेस है एंड डायमंड कट क्राफ्ट दिया गया है और मेटल बॉडी के साथ। यहाँ पे भी आप देख सकते हो इनफोकस मॉडल नंबर, ये सारा का सारा लिखा हुआ है, ये आपको मैंने पहले से ही दिखा दिया था। अब चलते हैं इसका सील को ओपन कर देते हैं। तो ये रहा दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल दिया गया है, इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ थोड़ी देर के लिए और इस पर देख लेते हैं। ये नॉर्मल एक यूज़र गाइड है जो कोई नहीं पढ़ता, और ये वारंटी है, ये आपको ये आ गया है। और यहाँ पे कॉल रिसीव करने के लिए बटन दिया गया है, ये नॉर्मली लग रहा है मुझे बट ठीक है, 12,000 की रेंज में एक अगर ऐसे मिल रहा है तो ठीक है। इसको हम साइड में रख देते हैं। एक माइक्रो USB पोर्ट भी दिया गया है, ये आप देख सकते हो, इसको साइड में रख देते हैं। ये एक चार्जर है और आउटपुट सिर्फ 5 वोल्ट एंड 1.5 एम्पियर का चार्जर है, और ये भी मेड इन चाइना ही लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हो। USB यहाँ पे भी अच्छी तरह से इनफोकस की ब्रांडिंग की गई है, और ये इमेज एडिटर टूल दिया गया है जो हर किसी में होता है। इनको थोड़ा सा साइड में रखते हैं। अब आते हैं मेन फोकस के बाद, इन फोकस पे फोकस करते हैं। ये आपका आ गया ब्यूटी, इसके एक कवर दिया गया है। फ़ोन तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, प्रीमियम फील आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पावर ऑन के लिए बटन दिया गया है, यहाँ पे सिम इजेक्टर टूल दी गई है। पीछे दो कैमरा है, एक 13 मेगापिक्सल का है और एक 8 मेगापिक्सल का है, एंड ए सिंगल LED फ्लैश भी दिया गया है। ये फिंगरप्रिंट है, यहाँ पे स्ट्रेट लिखा हुआ है कि वॉल्यूम बटन प्लस और डाउन। ये देखिए, ये भी बहुत अच्छी तरह से, बट ये प्लास्टिक लग रहा है मुझे, फील प्लास्टिक का आ रहा है। एक कैमरा है, ये कैमरा है, डुअल कैमरा है। यहाँ पे स्पीकर दिया गया है, मैं इसको पॉलीथीन को हटा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, इसकी सबसे ज़्यादा जो ब्यूटी है ये बटन बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी ऑन करके हम देखेंगे ये कैसा है। बॉटम में आपको USB पोर्ट दिया गया है, माइक्रोफोन दिया गया है एंड वॉल्यूम के लिए बॉटम पे भी दिया गया है। अब चलते हैं, इसके पीछे भी एक पॉलीथीन है, वो भी पुल कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये सीरियसली लग रहा है कि एक प्रीमियम फ़ोन है जो नॉर्मली 30-40 हज़ार का होगा, बहुत ही प्रीमियम फील दे रहा है अगर आप पकड़ते हो ना। और 5.2 इंच होने के लिए 5.2 इंच का स्क्रीन है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबली हाथ में आ रहा है। और मैं स्पेशली लाइक करता हूँ पीछे फिंगरप्रिंट, क्योंकि यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट होता है वो बहुत ही ऑकवर्ड फील देता है, जो पीछे ही फिंगरप्रिंट देना चाहिए। अभी चलिए यहाँ पे
स्पीकर दी गई है, मैं आपको इसका डुअल सिम भी दिखा देता हूँ कि ये क्या सपोर्ट करता है। इसमें या तो आप दो सिम यूज करो या तो एक सिम और एक एसडी कार्ड यूज कर सकते हो, बट घबराने की बात नहीं, इसमें ऑलरेडी इंटरनल 64 GB. कैमरा चेक कर लेता हूँ आपको, अभी मैं सेटिंग में जाके दिखा देता हूँ कि क्या क्या है। ये डेमो चेक वॉलपेपर वगैरह वगैरह है, ये देखिए सिम कार्ड आ गया, डाटा यूजेस आ गया, मोर पे आ गया डिस्प्ले। अब मैं स्टोरेज आपको दिखा देता हूँ, स्टोरेज है आपका 12.2 GB ऑलरेडी कंज्यूम है उसमें से, तो लगभग आपको 52 GB तक इसमें मिल जाएगा। बैटरी अभी देख लेते हैं, 45% है, अबाउट फोन पे जाते हैं और देखते हैं यूजर एक्सपीरियंस, सॉफ्टवेयर अपडेट कुछ आया है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। ये कुछ डाउनलोड हो रहा है तो ऑब्वियसली कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट है इसमें, ऑप्टिमाइज द कैमरा इफेक्ट इम्प्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस, इसको डाउन होने दीजिए। ये वैसे तो स्टॉक एंड्रॉयड की फील देता है, बट ये स्माइल यूएक्स नाम का एक सॉफ्टवेयर इनका अपना ही वर्जन है स्नैप इनफोकस वालों का। अब हम चलते हैं एंड्रॉयड का वर्जन 7 दिखा देता हूँ मैं। ये अच्छी चीज़ है कि एंड्रॉयड का नूगट आपको मिलता है यहाँ पे। दोस्तों ये टेक्निकल मोटिवेशन आप क्लिक करोगे तो ये चैनल आ जाएगा टेक्निकल मोटिवेशन का, ये लोगो देख लीजिए। और टेक्निकल मोटिवेशन पे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पे एक बेल आइकन आएगा उसको भी दबा देना। अगर आपको ऐसे ही वीडियो और अगर आपको कुछ और फीचर्स जानना चाहते हैं तो मुझे डिस्क्रिप्शन के नीचे कमेंट करिए कि आपको इसके बारे में और क्या जानना है, तो उसी हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगा और आपको अपडेट करता रहूंगा। बोर्ड पे इसको मैं ऑफ करके क्लिक करता हूँ, ये देखिए बॉक्स एंड टू फ्रंट तक ये दिख रहा है। अगर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ तो ये वाइड एंगल हो जाता है। ये काफ़ी अच्छा फीचर्स है जो आपको अच्छा लगेगा। इसमें देखिए वीडियो में टाइम लैप्स भी दिया गया है, ये आप टाइम लैप्स कर सकते हो, वीडियो कर सकते हो और फोटो के फंक्शन भी कर सकते हो। और कुछ सेटिंग देखते हैं, HDR मोड दिया गया है, और सेटिंग में जाके हम देखते हैं कि और क्या क्या फंक्शनलिटी है। ये कुछ आप सेटिंग कर सकते हो, जो मैक्सिमम है 6 MP है, बट इसको आप 8 MP तक भी कर सकते हो। अभी फ़िलहाल अगर मैं इसको ऑफ कर दूँ और मैं जाता हूँ सेटिंग पे, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों पिक्चर 13 MP तक हो जाता है। अगर आप बुके इफेक्ट में करते हो तो 8 MP तक होगा, अगर आप नॉर्मल में करते हो तो 13 MP तक होगा। जैसे कि पीछे 13 MP और 8 MP है, और फ्रंट में 8 and 8 है। बाकी ये ब्यूटी मोड भी दिया गया है, पानो मोड भी दिया गया है। फोटो में दोस्तों मैं ये देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने बुके इफेक्ट करा ये फ्रेम वगैरह सारे ब्लर हो गए। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे क्लिक करता हूँ,
इसमें आपको कितनी ब्लर करनी है उसकी भी ऑप्शन है यहाँ पे, आप देख के वो आप कर सकते हो। अब मैं एक पिक्चर दिखाता हूँ, ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा शॉट है। ये फैन वगैरह ब्लर हो गए, मोबाइल भी ब्लर हो गया सिर्फ।